दिन की शुरुआत नई उम्मीद के साथ बस स्टॉप पे बस का वेटिंग करते हुए शुरुआत होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात जाने वाले बच्चों की। कुछ देर वेटिंग करने के बाद बस स्टॉप पे बस चली आती है और सारे लोग अपने अपने सीट में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग सीट में बैठे हैं, ये खाली सीट नहीं है, ये सीटों के पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ा होता है। तो चलो मैं आज आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा कैंपस घुमाऊँगा और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलता है सारे बात इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो नए बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो और बाद में देखने के लिए। लंबी सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं सेक्टर 29 की कैंपस, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात की दो कैंपस है जो कि छोटी छोटी है, एक सेक्टर 29 और एक सेक्टर 30 में है। तो हम अभी सेक्टर 29 के कैंपस के बारे में बातें करेंगे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेस और पढ़ने के लिए फैसिलिटी मिल जाता है।
तो चलो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में BLRC जिसका नाम है वर्चुअल लाइब्रेरी रिसोर्सेज सेंटर, इस बिल्डिंग के बारे में जानने से पहले चलो अपना बैग रख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं इस छोटी से कैंपस को। तो बैग में अपना रख चुका हूँ, तो चलो मैं अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर क्या है। आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डेस्कटॉप है जहाँ पे आप लोग बैठ के अपना पढ़ाई ऑनलाइन से कर सकते हैं। आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे सारे चीज़ें मिल जाएंगे जो आप लैपटॉप से कर सकते हैं। तो ये था BLRC, तो चलो और कुछ दूसरे जगह चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो सारे लोग जो नए यहाँ पे एडमिशन लेके आते हैं उनका पहला क्वेश्चन होता है कैंटीन के बारे में। तो चलो दूसरा प्लेस जाने से पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही इस कैंपस की कैंटीन दिखा देता हूँ। सेक्टर 29 की कैंपस में जो कैंटीन है उसमें आप लोगों को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच और इवनिंग में टिफिन वगैरह सब मिल जाएगा। और यहाँ पे रात में कैंपस बंद हो जाती है तो रात में खाना नहीं बनता है, तो आपको रात में खाना होगा तो आप लोगों को सेक्टर 30 की कैंपस जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरी ओपन रहता है तो वहाँ पे रात को खाना बनता है। आपको जो दिख रहा है छोटा सा केविन जैसा है घर है ये छोटा सा कैंपस। तो चलो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे जहाँ पे मेन काम होता है क्लास उसके बारे में, उस बिल्डिंग के बारे में कुछ बातें शेयर करता हूँ। इस छोटी से कैंपस में सबसे बड़ा बिल्डिंग जो है वो है एकेडमिक ब्लॉक जहाँ पे सारे क्लासेस वगैरह होता है। यहाँ पे जितने भी क्लासरूम है सारे अपने अपने मतलब डिपार्टमेंट वाइज सबका क्लासरूम पार्टिकुलर होता है, तो उसी क्लासरूम में ही उनका क्लास हर रोज़ होता है। तो ऐसा नहीं कि कौन किधर भी बैठ के क्लास ले जाते, ऐसा कुछ नहीं, सभी डिपार्टमेंट के लिए पर्टिकुलर क्लासरूम होता है, वहाँ पे ही जाके वो क्लास लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 24/7 वाईफाई मिल जाता है जिसको आप यूज़ करके मोबाइल में इंटरनेट चला के कुछ भी कर सकते हैं, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाता है। जिन लोगों को पढ़ाई करने का एम है तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और घूमने के लिए तो कुछ खास गांधीनगर में है नहीं,